तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट करो पे। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हुई हूँ न्यू लोकेशन न्यू प्रॉपर्टी के साथ। आज मैं आपको इतने बेहतरीन विला पे लेके आई हूँ जिसको देख के आपका दिल सच में बहुत खुश हो जाएगा, जैसे कि मेरा हुआ है। तो मैं आज आपको लेके आई हूँ मोहाली के अंदर 125 सेक्टर में आपको लेके आई हूँ 5 BHK के विला की तरफ, जो आपका पार्क फेसिंग विला रहने वाला है। ये आपका सामने पार्क आ जाता है। पहले आपको पार्क ही दिखा लेती हूँ। आप शाम के टाइम यहाँ पे जो है वॉकिंग कर सकते हो। आपको जो है विला के साथ ही आपको पार्क मिल जाता है। तो दोस्तों, ये रहेगा एलिवेशन। एलिवेशन देखिए दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल, कितना प्रीटी रहने वाला है। इसका इंटीरियर इतना मजेदार रहने वाला है, आपको काफी से काफी पसंद आने वाला है। एलिवेशन की बात करें तो आपको जो है ब्लैक थीम दी गई है। इसमें वुडन का प्रॉपर वर्क किया गया है। आप लाइट्स देखिए, काफी ब्यूटीफुल इसमें लाइट्स लगी है। ये जो है नॉर्थ फेसिंग आपका ये विला रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं विला के अंदर। ये आ जाता है आपका बर्म एरिया बाहर। यहाँ पे अभी हम साइड से एंट्री कर लेते हैं। आपके घर में कोई आ रहा होगा तो यहाँ से जो है पता लग जाएगा। आपको मैं अंदर दिखाती हूँ कैमरा जो लगा हुआ है। आपको पूरी फैसिलिटी दी जा रही है कैमरे की, इसमें आपकी फैसिलिटी रहने वाली है। तो ये आपकी यहाँ से गाड़ी एंटर होगी। फिलहाल हम साइड से एंटर कर लेते हैं। जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपकी आ जाती है पार्किंग। दो बड़ी गाड़ियां आराम से आपकी पार्क हो जाएगी, तो पार्किंग का इश्यू सॉल्व हो जाता है आपका। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जो आपको साथ ही दिया जाएगा ये आपका रहेगा वॉशिंग एरिया। एक्टिवा है वो यहाँ पे पार्क कर सकते हो। और यहाँ पे आप अगर अपने अकॉर्डिंग प्लांट्स लगाना चाहोगे तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पे गार्डनिंग कर सकते हो। और ये रहा बाहर का व्यू। आपको जो है यहाँ पे डिजाइन देखिए, ब्लैक थीम के साथ डिजाइन दिया जा रहा है। मतलब आपको इस घर में इतनी ब्यूटीफुल चीजें देखने को मिलेगी ना दोस्तों, मजा आने वाला है। तो ये रहेगा आपका वॉल डिजाइन। आप चेक कर लीजिए कुछ इस तरह का आपको वॉल डिजाइन दिया जा रहा है। ये आ जाती है आपकी डाउन सीलिंग विद कंसील लाइट के साथ। आपको डाउन सीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। और ये आपका स्टोरेज आता है, यहाँ पे आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये रहेगी मेन एंट्रेंस। देखिए गाइस, ये आपका कैमरा रहता है जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, हम हो चुके हैं घर के अंदर एंटर। एंटर करते आपको यहाँ पे दो डोर दिए जा रहे हैं। और आपको मैं अब साइज बताना चाहूंगी इस विला का। जो साइज रहने वाला है वो 257 गज में आपका ये विला रेडी हुआ है। इंटीरियर इतना प्रीटी है ना, तो आपको अब मैं दिखाती हूँ ड्राइंग एरिया और डाइनिंग एरिया। अभी पहले आप डाउन सीलिंग देख लीजिए दोस्तों। जब आप एंटर करोगे उसके साथ ही इतनी अच्छी आपको डाउन सीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। वाओ, आइए अब हम चलते हैं हमारे ड्राइंग एरिया की तरफ। ये रहेगा आपका फैमिली लाउंज एरिया। आप अपने घर वालों के साथ गेट टुगेदर कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सोफास लगा सकते हो। ये वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो प्रोवाइड की जा रही है। डाउन सीलिंग आ जाती है वुडन के टच के साथ, आपकी डाउन सीलिंग आ जाती है। ये आ जाती है आपके वुडन के टच के साथ फ्रेम, जो काफी ब्यूटीफुल लग रही है देखने में। यहाँ पे लाइट्स का वर्क भी किया गया है जो कि आपके यहाँ की शोभा ही अलग कर देता है। ये वॉल पेपर का डिजाइन आ जाता है। इसमें आपको लैंप्स दिए जा रहे हैं दोस्तों, लैंप्स देखिए, वाओ कमाल की बात है। और आपको एसी की फिटिंग हर रूम में दी जाएगी। तो गाइस, अब चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। ये आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आप 6 सीटर अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। साथ ही साथ में आपको दिया जा रहा है यहाँ पे वॉश बेसिन। ये काफी बड़ी आपको मिरर दी जा रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले काफी अच्छे से स्टोरेज मेंटेन की गई है कि कोई भी आपका स्पेस छूट नहीं रहा है, तो काफी अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। यह आ जाती है आपकी डाउन सीलिंग विद कंसील लाइट के साथ दी जा रही है। यह आ जाता है LED पैनल का स्पेस। यहाँ पे आप अपनी LED लगाइए, इसके साथ भी स्टोरेज दी जा रही है। मैंने आपको कैमरा दिखाया था बाहर से, आपके घर में कोई भी एंटर हो रहा है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का हमारा है डाइनिंग ड्राइंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे भी आपको स्पेस दी जा रही है, आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं जो हमारे घर में सबसे बेस्ट पार्ट रहता है, वो रहेगा हमारा मॉडुलर किचन। तो कुछ इस तरह की एंट्री रहेगी। और ये लैंप्स देखिए,
कमाल के लैंप्स है। तो आइए सर, ये रहेगा आपका मॉड्यूलर किचन। इसमें आपको यहाँ पे आपकी चिमनी लग जाती है, इसके लिए यहाँ पे स्पेस दिया जा रहा है। ये आ जाते हैं आपके कैबिनेट्स, जिस तरह के आपके कैबिनेट्स आ जाते हैं यहाँ पे। लाइट्स लगा के दी गई है दोस्तों, आप गूगल लाइट्स देख लीजिए, आराम से काम कर सकते हो। ये आपका ड्रॉज आ जाते हैं, स्लाइडिंग डोर के साथ आपको ड्रॉज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दो आपको सिंक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी जा रही है। दोस्तों आज के टाइम में लेडीज का तो यही इशू होता है कि किचन में स्पेस कम है, या तो आपको ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप देख सकते हो। ये आपके पेंट्री आ जाती है यहाँ पे, देख लीजिए दोस्तों, काफी अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। और आपको सबसे ब्यूटीफुल चीज दिखाती हूँ मैं, तो देखिए दोस्तों ये झूमर देखिए, और इस वॉल डिजाइन देखिए, मिरर के साथ आपको वॉल डिजाइन दिया जा रहा है, जो काफी प्रीटी लग रहा है दोस्तों। देखिए आप एक बार अच्छे से इसका लुक देख लीजिए। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों हम हो चुके हैं फर्स्ट बेडरूम में एंटर। वाओ, ब्लैक व्हाइट थीम भी जा रही है दोस्तों आप अपने रूम में। ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, ये आपकी डाउन सीलिंग आ जाती है, ये स्पेस आ जाता है आपके एलईडी पैनल का, व्हाइट थीम के साथ आपको एलईडी पैनल का स्पेस दिया जा रहा है। ये आ जाते हैं आपके कबर्ड्स, जिस तरह के आपको कबर्ड्स दिए जा रहे हैं, अलग से ड्रॉज दिए जा रहे हैं, आप अपना ज्वेलरी सामान आराम से रख सकते हो। इसको जो है व्हाइट ब्लैक थीम के साथ मेंटेन किया गया है, तो जो देखने में लाजवाब लग रहा है। ये वॉलपेपर आ जाता है आपका, और ये लैंप तो मुझे बहुत पसंद आ रहे दोस्तों, ये लैंप वाओ कितने अच्छे से इसको बनाया गया है। तो अब चलते हैं हम ड्रेसिंग एरिया की तरफ। ये रहेगा आपका ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पे आपको मिरर लगा के दिया जाएगा। ये अलग से यहाँ पे आप मेकअप का सामान रखिए, अपना सामान आराम से स्टोर कर सकते हो। अटैच आपका वॉशरूम रहेगा, तो काफी खुल्ला डुल्ला आपको वॉशरूम रहेगा, आप देख सकते हो। टाइल्स का अच्छे से प्रॉपर वर्क किया गया है, आप देख सकते हो। जैकवार की इसमें आपकी फिटिंग रहने वाली है। तो अब हम चलते हैं वॉशिंग एरिया की तरफ। ये रहेगा आपका वॉशिंग एरिया, देख लीजिए दोस्तों कितना खुला डुला आपको वॉशिंग एरिया दिया जा रहा है, और एक छोटा सा मिनी किचन भी दिया जा रहा है आपको। आप चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ से परे तक कितना खुला डुला आपको वॉशिंग एरिया दिया जाएगा। तो ये था वॉशिंग एरिया, अब हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों ये रहेगा आपका सेकेंड बेडरूम, यहाँ पे आ जाता है आपका एलईडी पैनल का स्पेस, डाउन सीलिंग आ जाती है आपके वुडन के टच के साथ, वॉल पेपर का डिजाइन देखिए, और लैंप्स वाओ घर की शोभा ही बढ़ा रहा है। यहाँ पे आपको किंग साइज का बेड लगाते हो, फिर भी आपको काफी ज्यादा स्पेस दिया जा रहा है, आप स्टडी टेबल लगा सकते हो। किसी को अपने रूम होता है सोफा लगाने का, तो वो भी आराम से आप लगा सकते हो। यहीं पे आपको ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, लाइट्स देखिए, रिंग लाइट लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइट्स दी जा रही है आपको, और आपको अलग से बॉक्स दिए जा रहे हैं, आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो। अटैच इसमें आपका वॉशरूम रहेगा, इसमें आपको सारी फिटिंग लगा के दी जा रही है, जैकवार की इसमें आपकी फिटिंग रहने वाली है। तो दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया, ये आपका डुप्लेक्स विला रहने वाला है, इसकी एंट्री रहेगी घर के अंदर से ही। तो गाइज अब चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये रहेगी एंट्री, एंट्री इतनी लाजवाब है, आपको फुट लैंप्स दिए जा रहे हैं, अरे फुट लैंप देख लीजिए, और ये वॉल डिजाइन देखिए दोस्तों, वाह कमाल का वॉल डिजाइन आपको मिलने वाला है। और इसके साथ देखिए दोस्तों, ये रहेगा आपका झूमर, जो कि घर की रौनक ही बढ़ा देता है। ये आपका यहाँ पे वॉल पेपर आ जाता है, और ये यहाँ पे देखिए दोस्तों कितने अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है, काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, झूमर है साथ में, डिजाइन है, और बात ही कुछ अलग है, आप देख लीजिए, ये आपको पूरे डिजाइन के साथ आपको घर दिया जा रहा है। तो हम एंटर हो चुके हैं फर्स्ट फ्लोर में, ये आ जाता है आपका फैमिली लाउंज एरिया, ये आपकी डाउन सीलिंग आ जाती है, सामने आपके आ जाता है एलईडी पैनल का स्पेस। अब हम चलते हैं दोस्तों थर्ड बेडरूम की तरफ। आपको थर्ड बेडरूम ले जाने से पहले मैं आपको जो नीचे वाले से दिखाया था, मैंने आपको झूमर वो देखिए सामने, यहाँ से कैसा लग रहा है,
ब्यूटीफुल, बहुत प्रीटी लग रहा है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। तो आइए मेरे साथ, ये रहेगा आपका थर्ड बेडरूम। ये आपकी डाउन सीलिंग आ जाती है, वॉलपेपर का डिजाइन आ जाता है आपका दोस्तों। यहाँ पे देखिए, किंग साइज का बेड होते हुए भी काफी स्पेस दिया जा रहा है आपको। ये आ जाती है आपकी विंडो। अगर आप दिन के टाइम लाइट ऑन नहीं करते हो तो आपके जो है वेंटिलेशन जो है धूप आराम से आपके घर के अंदर आती रहेगी। आपको ये एलईडी पैनल का स्पेस। यह आ जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया। ना बड़ा आपको ड्रेसिंग एरिया दिया जा रहा है। फर्स्ट आपका मिरर जो कि बहुत जरूरी है। यह आ जाते हैं आपके कबर्ड्स। ये आपके कबर्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पे भी आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अटैच इसमें आपका वॉशरूम रहेगा। अब मैं दिखाने जा रही हूँ जो कि रहने वाली है बालकनी। तो आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, अब ले चलती हूँ आपको सबसे बेस्ट जगह पे, जो हमारी रहने वाली है बालकनी। तो बालकनी में एंटर होते पहले आप व्यू देख लीजिए बाहर का। ये आपके सामने आपका पार्क आ जाता है। यहाँ पे शाम के टाइम आप चेयर लगाइए, टी कॉफी एंजॉय कीजिए और बाहर का व्यू एंजॉय कीजिए। तो ये आ जाती है आपकी बालकनी। ग्रास के साथ आपको बालकनी दी जा रही है, वुडन के टच के साथ। एक बार पूरा अच्छे से इसको देख लीजिए, कितनी ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे प्लांटेशन दी जा रही है जो घर में पॉजिटिविटी लेके आता है। और इस विला को देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं 5-स्टार होटल में पहुंच चुके हैं। मतलब इतना लग्जूरियस ये आपका विला रहने वाला है। तो अब आइए, अब चलते हैं फोर्थ बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों, ये रहने वाला है आपका फोर्थ बेडरूम। ये आपकी डाउन सीलिंग आ जाती है, ये आपका वॉल पेपर आ जाता है और ये आपके लैंप्स आ जाते हैं। आइए अब आप देखते हैं कबर्ड्स। ये आपके कबर्ड्स आ जाते हैं टॉप तक। इसमें वर्क किया गया है, काफी ज्यादा आपको स्टोरेज दी जा रही है। ये एलईडी पैनल का स्पेस आ जाता है। वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही आपके जो है यहाँ पे आ जाता है आपका जो आपकी बैक बालकनी रहने वाली है। ये आ जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया, काफी बड़ी। इसमें आपको मिरर प्रोवाइड की जा रही है, अलग से बॉक्स दिए जा रहे हैं सामान स्टोर करने के लिए। अटैच इसमें आपका वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम में आपको सारी फिटिंग लगा के दी जाएगी। जैकपॉट की इसमें आपकी फिटिंग रहने वाली है। किस तरह का हमारा ये वॉशरूम रहने वाला है दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारा जो पूजा घर रहने वाला है, जो हमारे घर में पॉजिटिविटी लेके आता है। ये रहेगा हमारा पूजा घर। इसका कुछ इस तरह का डिजाइन रहने वाला है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है। ये रहने वाला है हमारा पूजा घर। यहाँ पे आपको साथ में ही दिया जा रहा है स्टोरेज। आपके घर में एक्स्ट्रा सामान है तो आप यहाँ पे उसको स्टोर कर सकते हो। ये रहेगी आपकी बैक बालकनी, जो आपका बैक टेरिस रहने वाला है। यहाँ से स्टेयर्स जा रही है आपके टॉप टेरिस के लिए और साथ में जो है आपके ऊपर एक रूम रहने वाला है आपका। तो ये रहेगा वो स्पेस। तो गाइस, ये था हमारा 5BHK का विला। आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर जरूर बताएं। मेरे रिव्यूज मानो तो मुझे तो काफी अच्छा लगा, पूरा जो है 5-स्टार वाली फीलिंग आ रही थी इस घर पे। कमेंट करके जरूर बताएं। अगेन मैं फिर से कह रही हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली नए नए वीडियो देख सके। कोई भी इंक्वायरी हो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।